फरीद सर, एक मिनट, प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ऑफिस में अपने। जी हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग सर, बुलाया आपने मुझे। तुम बैठो फरीद। जो बात हम करने के लिए जा रहे हैं वो करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, मेरी ड्यूटी है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं सर। मैं एकदम से पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा, कौन थी वो लड़की? हम काफी सालों से एक साथ काम कर रहे हैं सर, उम्मीद है आप मुझसे वाकिफ भी होंगे। सच बताइएगा कि आप उन पर यकीन करते हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई। मेरे लिए उनका इम्पोर्टेंट होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। हमें पता है कि आप एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन जो हमने देखा वो सब क्या है बताएं हमें। फिर से पूछ रहा हूं, कौन थी वो लड़की? क्या वो हमारे स्कूल की है? सर आपने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया मुझे, आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं जाहिर है वो उसी बारे में होगा जो आपने देखा। अब अगर तुम नहीं बता रहे हो तो इतना ही काफी है कि तुम शर्मिंदा नहीं हो बिल्कुल। ऑर्डर के मुताबिक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। चलो बच्चों अंदर चलो। उमर आवाज नहीं आ रही। बेटा आपको बेल की आवाज नहीं आ रही, क्लास में जाएं। चलें जल्दी करें। मुझे बहुत डर लग रहा है बाहर, काश कि इस घटिया इल्जाम से बचने का कोई रास्ता होता हमारे पास। नहीं मैं स्कूल नहीं आ सकती, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, यहीं वेट कर लूंगी। ऐसे लोग तो टीचर बनने के काबिल ही नहीं है। उसको सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे जाने नहीं दे सकते उसे। हरगिज नहीं जाने देंगे, बताते हैं उसे। मैं बाद में बात करती हूँ। इस आदमी को अदालत ले जाए बगैर ही इतना जलील करेंगे कि याद रखेगा वो। जब टीचर्स ही ऐसे होंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा? पता नहीं क्या कुछ करता होगा, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी, बेगैरत कहीं का। तुम कैसे बकवास कर सकते हो उस इंसान के बारे में जिसको तुम नहीं जानते? तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? मसला क्या है? जिस इंसान के बारे में तुम लोग बकवास कर रहे हो उसकी बहन हूँ मैं, और ये सब झूठ है। अगर उस आवारे की बहन तुम हो तो डूब के मर जाओ। मैं भी खेलूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं खेल सकती? बस नहीं खेल सकती, मेरी अम्मी ने मना किया है और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। क्या मतलब है? क्योंकि तुम्हारी अम्मी एक कातिल है। फिरोजी, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पर तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। तो क्या होगा? जो मुसीबत तुमने हमारे सर पर डाली है उसकी तसल्ली देने आए हो? फिरोजी देखो, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गई? फिरोजी बस कर दो, काफी है। देखो मैं तुम्हें हजार दफा समझा चुका हूँ, इस बहस में पढ़ने से सिर्फ तुम्हारा और मेरा वक्त जाया होगा और कुछ नहीं। ये सब इल्जाम है सर फरीद, हम सब टीचर होने के साथ साथ इंसानियत के भी खुद कफील हैं। अगर सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम अभी तक यहां क्या कर रहे हो फरीद?
तुम जानते हो कि बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए, जितनी जल्दी हो सके निकलो, हमारे लिए मुसीबत मत बनो और पीछे के दरवाजे से जाना। सर ये आप किस तरह बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तो आराम से बात कर सकते हैं ना? आप बिल्कुल भी दखल मत दीजिए, इसके जाने के बाद हमने ही फेस करना है सब। जब मैं सबसे बाहर निकल आऊंगा और पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल मासूम हूँ, तब मेरा सामना कैसे करोगे आप? ये बेगुनाही कोर्ट में साबित करना और फैसला भी वहीं होगा। इंशाल्लाह अदालत से भी बरी हो जाऊंगा मैं। याद रखिएगा मैं इस मुल्क के 10 लाख असाज़ा में से एक हूँ, इसलिए मुझे वो जानते ही नहीं। ये जो चंद जुमले मेरे बारे में लिखे गए इसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन आपके साथ मैंने 3 साल से ज्यादा अरसा काम किया है, उम्मीद थी कि आप जरूर समझेंगे। मुझसे क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मुसीबतें अपने सर ले लूं मैं सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल नहीं सर, आप एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं, यकीन कीजिए आप बहुत जल्द पछताएंगे।